FLN पर आधारित शिक्षकों का प्रशिक्षण हुआ प्रारंभ। सरकार ने बच्चों में बुनियादी भाषा और गणित के कौशल विकास हेतु प्राथमिक शिक्षकों का 4 दिवसीय प्रशिक्षण आज से BRC केंद्र चरखारी में ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर श्रीमती प्रीति राजपूत की देखरेख में प्रारंभ में करा दिया है। इसका उद्देश्य बच्चों में बुनियादी भाषा का विकास हो सके। संदर्भदाता प्रशिक्षक मैयादीन यादव ने बताया कि सरकार ने संदर्भदाताओं को प्रशिक्षित कर विकासखंड स्तर पर प्राइमरी के शिक्षकों को प्रशिक्षण देने के लिए प्रेरित किया है। नवाचार के माध्यम से बच्चों का विकास और नई शिक्षा नीति के अंतर्गत बच्चों का सर्वांगीण विकास, गुणवत्ता और प्रशिक्षण इसके मुख्य उद्देश्य हैं। उन्होंने बताया कि फाउंडेशन लिटरेसी और न्यूमेरेसी के अंतर्गत इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि बच्चों का सर्वांगीण विकास कैसे हो। प्राथमिक स्तर के शिक्षकों का यह प्रशिक्षण आगामी 4 दिनों तक चलेगा, जिसमें शिक्षक बच्चों के विकास की सर्वांगीण विकास की कला संदर्भदाताओं के माध्यम से सीखेंगे। कार्यक्रम व्यवस्थापक के रूप में धर्मेंद्र यादव और भरत वर्मा रहे। विकासखंड सरकारी ARP के पद पर मैं कार्यरत हूँ, विज्ञान विषय से, और हमारे यहाँ BRC कार्यालय ये 4 दिवसीय FLN जी फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी आधारभूत भाषा और गणित जी का ये हमारा ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षण प्रारंभ हो चुका है। इसमें हमारे प्रत्येक विद्यालय से जो हमारे प्राइमरी के टीचर हैं जी, उनको हम आधारभूत गणित और आधारभूत भाषा से संबंधित प्रशिक्षण दे रहे हैं, और हमारे संदर्भदाताओं को जिले लेवल पर मिला था प्रशिक्षण। अब हम लोगों ने जो संदर्भदाता के रूप में हम लोग सीख कर आए थे, उसको हम ब्लॉक लेवल पर अपने सभी विद्यालयों के प्राइमरी के विद्यालयों के टीचरों को यहाँ पे प्रशिक्षित किया जा रहा है। नॉलेज भरपूर है, ऐसा यहाँ पे कोई विशेष ऐसा नहीं है कि हम टीचर को सिखा देंगे यहाँ पर, लेकिन किस तरह से उन नवाचार के माध्यम से और नई नई गतिविधियों को सिखाने के लिए नई शिक्षा नीति को कैसे हम धरातल पर लागू करें, उसके लिए और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए गतिविधि आधार आपसी सौहार्दपूर्ण तरीके से बच्चे के व्यक्तित्व का विकास कैसे हो, बच्चे का संपूर्ण विकास कैसे हो, उसका एक तरह से देखा जाए तो बच्चों का सर्वांगीण विकास किस तरह से हो सके, उस मूलभूत है। अपडेट मीडिया के लिए चरखारी से अशोक सैनी की रिपोर्ट।